नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद भास्कर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बीड़ी और सिगरेट की बुरी आदत से छुटकारा पाने का एक ज़बरदस्त उपाय इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबा दें, ताकि आने वाले सभी नुस्खों की सूचना आपको फ्री में मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर करके भारत को नशा मुक्त बनाने में अपना सहयोग जरूर दें, ताकि सभी भाई इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकें। बीड़ी और सिगरेट का हमारे शरीर पर कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, ये बात हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। बीड़ी और सिगरेट पीकर हम टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों को न्योता देते हैं, लेकिन यह जानते हुए भी बहुत सारे लोग इसका सेवन करने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि यह एक लत बन चुकी होती है, यह एक आदत बन चुकी होती है, जिससे हम चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकते। शुरू शुरू में हम इसे शौकिया तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लंबे समय के इस्तेमाल के बाद हम इसके आदि बन चुके होते हैं, क्योंकि बीड़ी पीना हमारे शरीर की ज़रूरत बन जाता है, जो हमें सामाजिक और मानसिक तौर पर कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से हमें कई जगह शर्मिंदा भी होना पड़ता है। अगर हम इसे छोड़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे कब्ज, एसिडिटी, सिर दर्द, नींद ना आने की समस्या आदि। हम बाजार से कई दवाइयां लेकर भी इसे छोड़ने का प्रयास करते हैं, इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा इन दवाइयों के कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आज बीड़ी और सिगरेट छोड़ने का जो नुस्खा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वह पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा है, जो आपकी रसोई में मौजूद चीज़ों से ही तैयार किया जा सकता है और इसको बनाना भी बिल्कुल आसान है। दोस्तों, नुस्खा आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बुरी आदत से छुटकारा पाने में आपकी मदद मिल सके। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको 5 से 10 रुपये की छोटी इलायची लेनी है, जो हमारे घर पर हमारी रसोई में ही मौजूद होती हैं, या फिर आप इसको किसी करियाने की दुकान से भी बड़े आराम से खरीद सकते हैं। अब 1 गिलास पानी लेकर उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक आपको मिला लेना है। जब यह सेंधा नमक अच्छी तरह से इस पानी में घुल जाए, अच्छी तरह से मिल जाए, तो जो इलायची आपने ली थी, अब वो इलायची इस गिलास में डाल दीजिए और इसको पूरी रात भर ऐसे ही रखा रहने दीजिए, ताकि ये इलायची अच्छी तरह से फूल जाए। अगले दिन जब आप सुबह उस पानी के गिलास को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इलायची के दाने जो हैं वो फूल चुके हैं। अब इन इलायची के दानों को गिलास में से निकाल लें और उनको धूप में सूखने के लिए रख दें। जब ये इलायची के दाने अच्छी तरह से सूख जाएं तो इनको किसी छोटी बोतल में भरकर रख लें। जैसे ही आपका मन बीड़ी या सिगरेट पीने का करे तो एक इलायची का दाना निकालकर अपने मुंह में डाल लें और धीरे धीरे इसका रस चूसते रहें। दोस्तों, ये नुस्खा आपकी बीड़ी और सिगरेट छोड़ने में काफ़ी मदद करेगा, साथ ही आपको बीड़ी और सिगरेट से होने वाले नुकसान, जैसे कब्ज, गैस, सिर दर्द आदि समस्याओं से भी बचाएगा, क्योंकि इलायची के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इलायची हमारे पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, यह हमारे हाजमे को दुरुस्त रखती है और पेट की गैस आदि जैसी समस्याओं में हमें फ़ायदा पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये एक लाभकारी नुस्खा है, जो आपकी बीड़ी और सिगरेट छोड़ने में काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस बुरी लत से छुड़वाने में आपकी मदद मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका